Good morning, students. How are you? Okay, fine. Okay. Sixth standard school, na? Students. Class 6, chapter 9, science. Living organisms and their surroundings. We have completed 2 parts. Okay, this is the third part. We are studying characteristics of the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडी ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सेल से बने हुए होते हैं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन द लिविंग सेल. नंबर 3, लिविंग थिंग्स मूव. नंबर 4, लिविंग थिंग्स नीड फूड. नंबर 5, लिविंग थिंग्स रेस्पायर. नंबर 6, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. 7 नंबर पे था लिविंग थिंग्स ग्रो. और 8 पे था लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द 9 कैरेक्टर्स. 9 नंबर पे कैरेक्टर्स आता है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ यंग वन, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसा एक यंग वन, एक छोटा प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. जैसे डॉग है तो एक छोटा उसका जो पपी होता है, डॉग क्या करता है दे, और मुर्गी है वो अंडा देती है. तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, कैट हमको किटन देती है, इंसान हमको क्या होता है, छोटा बच्चा होता है इंसान का, मे बी गर्ल मे बी बॉय. तो इस तरह से क्या होता है, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन. तो ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी कि एनिमल्स लाइक काउज एंड कैट गिव बर्थ टू देयर यंग वन, है ना. और काउज रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ और काल्व्स. काउ क्या देगी? आपको काल्व देगी. और वेयर इज कैट गिव बर्थ टू द किटन? ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज. अगर सम बेबी एनिमल्स लाइक जैसे आपका हाथ है बर्ड है, फ्रॉग है, स्नेक्स है, मॉस्क्यूटो है, दे हैचेस फ्रॉम एग्स. वो क्या उसे एग्स से हैचेस करते हैं. उसके प्लांट यूजुअली रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, या फिर क्या होता है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट, लीव्स. स्टेम की बात करते हैं तो रोज जो है, लीव्स की बात करते हैं तो अपन होता है ब्रायोफिलम है. तो ये सब क्या है, दिस इज द रिप्रोडक्शन. कभी आपको एक बात आपने नहीं देखी होगी कि आपने एक चेयर देखी है और 20 साल बाद में एक चेयर के छोटा बच्चा हो जाएगा, तो यू हैव नॉट सीन ना. तो ओनली लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. यस, पेज नंबर 83. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी ओपन द बुक ना बेटा, मेरे आते ही बुक खोल लिया करो. तो रिप्रोडक्शन इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ काइंड. रिप्रोडक्शन क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म के नंबर को बढ़ाता है. जैसे सपोज करिए आपके फैमिली में 2 मेंबर हुए, मम्मी और पापा. रिप्रोडक्शन के बाद में क्या होगा, एक बच्चा हो गया तो 3 मेंबर हो गए. उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में 4 हो गए, नेक्स्ट टाइम में 5 हो गए. तो इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. इन द एब्सेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म वुड कम्प्लीटली डिसअपियर आफ्टर कमिंग कम्प्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन. अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो होगा अपनी लाइफ स्पैन को कम्प्लीट करेगा और वो लाइफ वही खत्म हो जाएगा. सो रिप्रोडक्शन इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अ ऑफ अ काइंड. यानी कि धरती के ऊपर इंसान का अस्तित्व बनाए रखने के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. 10th आता है लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. अब क्या होता है, वॉट हैपन्स वेन एनी बडी पिक्स योर हैंड. अगर कोई आपके हाथ में प्रिक कर दीजिए, ऐसे चींटी काट ले,
तो विद अ स्मॉल पेन, कोई जो मतलब उसने प्रिक कर दिया, माने कि जैसे ऑल पिन ले लिया या पेन की पॉइंट है वो उसको प्रिक कर दिया, मतलब चुभो दी आपके, तो क्या होगा, यू विल पिन एंड मूव अवे योर हैंड क्विकली, तुरंत आप अपना हाथ हटा लेंगे वहाँ से। हेयर पिकिंग, प्रिकिंग विद द पिन इज द स्टिमुलस, यहाँ पर क्या हुआ, पिन का चुभना क्या है, स्टिमुलस है, एंड यू रिमूव योर हैंड, दैट इज द रेस्पॉन्ड। सपोज देर इज अ लॉट ऑफ हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे, यू विल ऑन द कूलर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपने क्या किया, कूलर चालू कर लिया, तो दिस इज वेरी हॉट, तो मीन्स दिस इज अ स्टिमुलस, ये एक स्टिमुलस है, और उसके प्रति आपने रेस्पॉन्ड क्या दिया, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए आपने कूलर चालू कर लिया। देर इज अ सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इन योर माउथ व्हेन वी थिंक अबाउट आवर फेवरेट फूड, जब भी कभी हमने हमारे फेवरेट फूड की बात कर लेते हैं अचानक से, तो हमारे मुँह में क्या आता है, वी ड्रॉप सलाइवा, मुँह में पानी आ जाता है, तो वट इज दिस इज द रेस्पॉन्ड, ठीक है। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दोनों ही रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए, वैन वी टच द लीव्स ऑफ मीमोसा प्लांट, वॉट इज द मीमोसा प्लांट, टच मी नॉट, तनछुई का जो पौधा होता है, इफ यू टच इट्स प्लांट इट्स लीव्स, इट्स लीव्स फोल्ड्स, उसकी लीव्स क्या होती है, एकदम से फोल्ड हो जाती है, हेयर टचिंग इज द स्टिमुलस एंड फोल्डिंग ऑफ लीव्स इज अ रेस्पॉन्स। अ बर्ड फ्लाई अवे वैन यू गो नियर, जब भी किसी बर्ड के पास में आप जा रहे हो, सपोज करें वो दाना खा रही है, वैन यू गो नियर बाय द बर्ड, बर्ड विल फ्लाई। तो वाइल्ड एनिमल्स एंड कॉकरोच रन अवे वैन ब्राइट लाइट इज फ्लैश्ड टूवर्ड्स देम, जब बहुत वाइट लाइट एकदम से आ जाती है, लाइट जलाओ, देखो कॉकरोच आपको भागते हुए दिखाई देंगे, या जंगली जानवर कहीं जंगल के अंदर जाके टॉर्च जलाओ या कोई एक बड़ी सी लाइट जलाओ तो वो आपको भागते हुए नजर आ जाएंगे। तो स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू विच इट रेस्पॉन्ड्स, व्हाट इज द स्टिमुलस, स्टिमुलस इज अ चेंज, एनी चेंज इन द सराउंडिंग, किसी आपकी वातावरण में होने वाला किसी भी तरह का चेंज है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू विच इट रेस्पॉन्ड, जिसके प्रति ये रेस्पॉन्ड देता है। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, लाइक टेम्परेचर है, टच, लाइट, साउंड, स्मेल, बाय मूविंग टुवर्ड इट और ऑन अवे फ्रॉम इट, किसी न किसी तरह, चाहे हम दूर चले जाते हैं, बहुत बदबू आ रही है, हम रूम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, हम रूम भी छोड़ के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हम कर लेते हैं, बहुत ठंड लग रही है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, तो दी ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। द शूट ऑफ ए प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट, किसी भी जो प्लांट होता है उसके कहीं भी विंडो की तरफ रखिए, वो उसका जो टर्न होगा, डाली का स्टेम का जो टर्न होगा वो हमेशा विंडो की तरफ होगा, सनलाइट की तरफ। एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो डाउनवर्ड्स ग्रेविटी, जो प्लांट की रूट होती है वो क्या जाएगी, ग्रेविटी में जाएगी। तो वी कैन नेम द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्ड इन दिस केस, ओके। तो सनलाइट क्या है, आपका स्टिमुलस है, और आपकी जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ मूव करती है, तो दैट इज़ द रेस्पॉन्ड, ओके। अब आता है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर 9 डिफरेंसेस वी विल डिस्कस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, एनर्जी कब होता है, डाइजेशन में, ग्रोथ में, एक्सक्रीशन में और रेस्पिरेशन में, किस में एनर्जी रिलीज होती है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। चलो हम दोनों क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम लेंगे डिफरेंट डिफरेंसेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पहला नंबर आता है पैरामीटर, पैरामीटर्स का मतलब होता है बेटा कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बेस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, उसकी सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटीज़ को देखते हैं। फर्स्ट नंबर आता है सेल्स, तो लिविंग थिंग्स के लिए देखा जाए तो लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंड पैरामीटर हमारा आता है मूवमेंट, लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर बाय देयर ओन, अपने आप वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वी हैव टू मूव देम, हमको उसको मूव करना चाहिए या करना पड़ेगा, या वी हैव टू प्रोवाइड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। सपोज करिए आपकी बस चल रही है या कार चल रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स आपको देना ही पड़ेगा, यानी इंजन में आपको तेल डालना ही है, पेट्रोल डालना ही है। थर्ड आता है फूड,
लिविंग थिंग्स नीड फूड बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. किसी भी टेबल को मेज को खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है. रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स रेस्पायर. लिविंग थिंग्स जो होती है वो सांस लेती है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर. नंबर 5 आता है एक्सक्रीशन, माने रिमूवल ऑफ वेस्ट. लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फॉर्म इन द बॉडी. लिविंग थिंग्स क्या होती है, क्या करती है, अपनी बॉडी में जो वेस्ट थिंग्स बनती है उन सबको बाहर निकालती है, ठीक है. और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट, वो कहीं किसी चीज़ को वेस्ट नहीं निकालती है. 6 नंबर पे आता है आपका ग्रोथ. ग्रोथ में क्या होता है, लिविंग थिंग्स ग्रो. छोटी है तो बड़ी हो जाती है, बड़ी है तो और बड़ी हो जाती है, एक पर्टिकुलर एज तक वो बढ़ती है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो कभी भी ग्रो नहीं करती है. कभी आपने देखा है एक टेबल आज इतनी नहीं है और 4 दिन बाद में वो बड़ी हो जाएगी या 6 महीने बाद बड़ी हो जाएगी, नॉट एट ऑल पॉसिबल. 7 नंबर आता है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन में आता है कि लाइफ लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. लिविंग थिंग्स का अपना एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम तक वो जिंदा रहते हैं, उसके बाद में मर जाते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, इसका कहीं कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता है. अब है रिप्रोडक्शन. 8 नंबर पे आता है रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने आप रिप्रोड्यूस करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. किसी बकरी के बच्चा हुआ है ये आपने सुना है, लेकिन किसी मेज टेबल कुर्सी उसके बच्चा हुआ है, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है ना. तो 9th नंबर है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दे फील एंड रिएक्ट. लिविंग थिंग्स हमेशा क्या करते हैं, स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, वो महसूस करते हैं किसी चीज़ को और रिएक्ट करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट गेट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. किसी प्रकार के कहीं कोई स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्ड नहीं देते हैं. देखिए बहुत ज़्यादा ठंड हो गई एकदम से तो आपकी टेबल चेयर कोई गर्म कपड़े नहीं पहनेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो हम लोग गर्म कपड़े पहन लेंगे, ठीक है. तो दिस इज़ द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग यस MCQs, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, डी आएगा रेस्पिरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे मेक देयर ओन फूड. सिर्फ प्लांट्स के लिए सही है, दे नीड सनलाइट फॉर एनर्जी. एनर्जी के लिए उनको सनलाइट चाहिए. दे रेस्पायर टू गेट एनर्जी, सांस लेने के लिए वो दे रेस्पायर टू गेट एनर्जी. एनर्जी के लिए वो रेस्पायर करते हैं. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ आपके क्या होते हैं, इंसान घूमता है. तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है. तो दे रेस्पायर टू गेट एनर्जी एंड दे नीड सनलाइट फॉर एनर्जी. एनर्जी के लिए उनको सनलाइट चाहिए. और दे रेस्पायर टू गेट एनर्जी, वो सांस लेते हैं किसके लिए, टू गेट एनर्जी. हाँ बिल्कुल सही आएगा, दे रेस्पायर टू गेट, नहीं, दे नीड सनलाइट फॉर एनर्जी. बी पे आएगा, हमको भी एनर्जी चाहिए होती है, सनलाइट से मिलती है हमको. और इसके अंदर ये भी आ जाएगा, प्लांट्स को भी सनलाइट चाहिए. प्लांट्स को तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए और हमको सनलाइट चाहिए ही चाहिए. सर्दियों वगैरह के अंदर चाहिए ना आपको सनलाइट, गर्मी में भी चाहिए. फिर भी बेटा ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसका बी और सी में डाउट है, मैं एक बार खुद सोच के बताऊंगी वापस आपको. कलम कंटिन्यू कर देंगे इसको. नेक्स्ट आता है हैबिटेट. क्या आता है आपका हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है. वी हैव लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वी हैव ऑलरेडी. Where do we find living things? हमको living things कहाँ मिलेंगे? Living things, we can find living things at all places. हर जगह आपको मिलेंगे, even deep in the ocean. यहाँ तक कि समुंदर में नीचे भी मिल जाएंगे. The place where living things live is called their habitat. वो जगह जहाँ पर living things रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, habitat. The place where living organisms live is called habitat. A habitat provide food, water, air, light, shelter and a place for reproduction to the प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन इट. हैबिटेट क्या है, वो हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर उसको भोजन पानी
हवा, रहने की जगह, लाइट, शेल्टर, प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन, ईच एंड एवरी थिंग इट गेट्स. ठीक है, सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर देयर सेम हैबिटेट. बहुत सारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं एक ही हैबिटेट में होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैक्टस प्लांट्स ग्रो एंड सर्वाइव वेयर इन द हॉट एंड ड्राई एरिया ऑफ डेजर्ट. जो कैक्टस होता है डेजर्ट एरिया के हॉट और ड्राई एरिया में रहता है. सो द हैबिटेट ऑफ कैक्टस प्लांट इज द डेजर्ट. द कैमल इज ऑल्सो अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द डेजर्ट वेरी लिटिल ऑन वेरी लिटिल वाटर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत कम लंबे समय तक बहुत कम पानी के साथ जी सकता है. सो द हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज ऑल्सो डेजर्ट. हो गया. तो दिस इज द हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नाउ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट क्या होता है? लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन. लिविंग थिंग्स जो होता है वो कभी भी अपने आप में अलग नहीं रहता है. दे ऑब्टेन देयर फूड एंड अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. जो भी कुछ चीज़ें चाहिए वो सारे सराउंडिंग में ही मिलते हैं. ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द सराउंडिंग इफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जितना भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, जो लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है, वो आपको क्या करता है, लाइफ के ऊपर अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. उसकी लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करते हैं. एवरी थिंग सराउंड्स एंड अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट. वो सब कुछ चीज जो किसी ऑर्गेनिज्म को घेर के रखती है, सराउंड्स करती है एंड उसको प्रभावित करती है, अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स एनवायरमेंट. द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. So what is the ecology? The study of relationship between living things and their environment is called ecology. Ho gaya? Okay, tomorrow we will continue. Thank you.